करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जोधपुर से खबर आ रही है, जोधपुर के ओसिया से, जहां पर दो अलग अलग शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक का शव पेड़ पर तो वहीं महिला का शव घर में मिला। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। ओसिया का ये मामला है। मृतक युवक महिला दोनों रिश्ते में बताए जा रहे हैं। देवर भाभी और FSL की टीम ओसिया पुलिस मौके से अभी साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। क्षेत्र के पंडित जी की धाणी के बड़ा बास मोहल्ले की ये घटना है। दो शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ओसिया में महिला का शव जहां एक तरफ घर में मिला, वहीं युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। इस पूरे मामले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। देवर भाभी की ये शव बताए जा रहे हैं और प्रेम प्रसंग का ये मामला प्रथम दृष्टया अभी फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन इन दोनों की मौत कैसे हुई, इसके पीछे के क्या कारण हैं, पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस ने शवों को उपजिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। एक युवक और एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। FSL की टीम अभी पहुंची है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ओसिया के पंडित जी की ढाणी के बड़ा बास मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। एक युवक का शव पेड़ पर तो वहीं महिला का शव घर पर मिला। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। रिश्ते में ये युवक और युवती देवर और भाभी लगते थे। दोनों की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जोधपुर के ओसिया का ये मामला बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी सुनील ओसिया से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, इस मामले में अभी फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, इनकी मौत का कारण क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि ये सुबह की घटना बताई जा रही है, जिसमें प्रथम दृष्टया अलग अलग दो जगह जो ये घटना हुई है, एक नाली के पास में तो शव पुरुष का शव मिला है, दूसरी महिला का शव घर के अंदर शव मिला है। इसको लेकर प्रेम प्रसंग का मामला प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है। पुलिस ने FSL की जांच को बुलाकर वहां पे पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और सारे मामला कैसे हुआ है, कैसे घटना हुई है, उसके लिए पूरी जांच की जा रही। जी बिल्कुल सुनील, ये दोनों जो युवक युवती हैं, इनका प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला और युवती घर में जिसकी मौत हुई बताया जा रहा है। इनको इनकी मौत के पीछे के जो कारण हैं वो पता चलने बेहद जरूरी है। इनको किसने मौत के घाट उतारा, क्या ये हत्या का मामला भी हो सकता है? पुलिस द्वारा मामले की पूरी जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया पुलिस द्वारा यही बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था। इसमें हत्या नहीं है, ये स्वयं ही अपने फंदे पर लटक कर ही अलीला समाप्त की है। प्रथम दृष्टया यही मामला सामने आ रहा है नंदनी। चलिए शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये मामला ओसिया का है। ओसिया में एक युवक और युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। देवर भाभी इनका रिश्ता आपस में बताया जा रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का मामला है कि प्रेम प्रसंग का ये मामला है। युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला, युवती का शव घर में पड़ा हुआ मिला। इनके मौत के पीछे का कारण क्या है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।